सर मूवी अच्छी थी, अनुपम खेर का जो जज का रोल था वो बहुत अच्छा था, और बाकी मूवी थोड़ा रियलिस्टिक लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि हाँ थोड़ा अच्छा है। और अगर ऐसे रेटिंग की बात करें तो मैं उसमें 8 पॉइंट की रेटिंग दे सकता हूँ उसके लिए। मूवी बहुत अच्छी है, उसमें अनुपम खेर ने बहुत अच्छा काम किया है, और ईशा गुप्ता का तो अच्छा ही काम था, जो जस्टिस बने हैं वो बहुत अच्छा काम, वो जो बहुत अच्छी लगी। 10 में से 9.5 अंडी, एक्चुअली ऐसी सरप्राइज मूवी है ना कि देखने के बाद बहुत अच्छी लगी। और आप तो जानते हैं कि अनुपम खेर जी कितने सीनियर एक्टर हैं, तो उनकी एक्टिंग तो उनके कोई सवाल जवाब तो करने वाली है नहीं एक्टिंग। और रही ईशा गुप्ता की, सो उनकी भी एक्टिंग सुपर माइंड ब्लोइंग। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग नहीं देखे हैं वनडे, एक बार आप जाके वनडे आप लोग जरूर देखें, और ज़रूर मैं बोलूँगा कि दिल पे फील आएगा, क्योंकि एक न्याय के ऊपर फिल्म है और एक जस्टिस का है। तो आप लोग ज़रूर जाके देखें फिल्म वनडे। थैंक यू। कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं 10 में से गाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो 9.5 दूंगा। वनडे वन फाइन डे था मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी तफ्तीश आप लोगों को पता चले, एक तफ्तीश की फ़िल्म है, एक राज वाली फ़िल्म है, और ऐसी राज वाली फिल्म खोलनी चाहिए, आप लोगों को देखनी चाहिए, बतानी भी चाहिए, आप लोग खुद जाए मज़े ले देखे, अच्छा लगेगा। अच्छे थे वैसे, कुमुद मिश्रा मुझे ज़्यादा पसंद है, और कुमुद मिश्रा के लिए ही देखो ये फिल्म। अनुपम खेर तो हमेशा से अच्छा करते आए हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन कुमुद मिश्रा ने बहुत अच्छा किया, और ईशा ने भी अच्छा ही किया है। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिए? 10 में से मैं दूंगा 6। वनडे के पिक्चर बहुत अच्छी लगी, अनुपम सीनियर एक्टर हैं, उनकी मूवी बहुत अच्छी लगी, सुपर हिट, एकदम गुड। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में 9 नंबर तो देना चाहिए। हाँ वैसे मतलब अनुपम खेर का जो जज का रोल था वो अच्छा लगा, और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। उनकी भी अच्छी थी, ऑफकोर्स अच्छी थी। और मैं 7.5।